Victim is admitted in the hospital for last one week of the management of extensive burn on leg due to the blast in cooking of stove one day eight eight of the admission day she is having the high grade fever with chills and rigor pulse rate is 120 per minute and bp is 100 by 60 mmhg on dobutamine ब्लड कल्चर ऑफ द पेशेंट इज लाइकली रिविल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हुइ ऑर्गेनिजम यहाँ पे देखिए बॉर्न वैक्टिम है और डे एट ऑफ एडमिशन हुआ है और पल्स रेट इंक्रीज है और बीपी डिक्रीज है वो भी डोबुटाम के कारण बीपी कंट्रोल में तो देखिए डोबुटाम डोबूटाम से इफ बी कंट्रोल किया है ये तो शौ, शौक हो सकता है शौक हो सकता है तो कौन सा शौक सेप्टिकॉक इफ पेशेंट डोबुटामिन से पे बीपी का कंट्रोल किया है तो वो शौक वो पेशेंट के है इसलिए डोबुटामिन यूज किया है और कौन सा शौक सेप्टिक शौक और सेप्टिक शॉक का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट क्या है ग्राम निगेटिव कॉजे सेप्टिक शॉक को कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है ग्राम निगेटिव ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म वहीं पे सेप्टिक स ड्रॉग ऑफ चॉइस क्या है सेप्टिक का ड्रग ऑफ चॉइस ब्रोड बैक्ट्रम एंटीबायोटिक है ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वहीं पे देखिए दूसरा शख तब तो सबका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ये भी हम पर ही लेते हैं एना फैलेक्टिक शक एना ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एना फैलेक्टिक तो ए से क्या हो गया एड्रीनाल तो एड्रीन है वही पे देखिए कार्डियोजेनिक शख कार्डियोजेनिक्सक का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है कार्डियोजेनिक्सक सी से सी के बाद क्या आता है डी डी आता है तो क्या हो गया डोपामाइन डोपामाइन ड्रग ऑफ चॉइस है डोपामाइन को क्या बोलते हैं नॉर एड्रीन नॉर एड्रीन अब देखिए फ्लूड कम हो जाएगा तो कौन सा शोक होगा हाइपो वॉल्यूमिक शक हाइपो वॉल्यूमिक शक और देखिए हाइपो वॉल्यूमिक शोक का ड्रग अब चॉइस क्या रहेगा कोटिको अच्छी क्रिस्टोलॉइड क्रिस्टोलॉइड मतलब फ्लूड कौन सा रिंगर लैक्टेट और ये डोपामिन और किसका ड्रग ऑफ चॉइस है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का भी ड्रग ऑफ चॉइस है डी से डोपामिन डी से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक वही पे हाइपो एड्रीनल हाइपो एड्रीनल शॉक का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है देखिए एड्रीनल ग्लैंड है तो वहाँ पे स्टेरॉइड एस्टोराइड एड्रिनल गैंड में एस्टोराइड का रोल होता है तो इसलिए कोर्टिको एस्टोराइड हुआ कोर्टिको एस्टोराइड ड्रग ऑफ चॉइस अब देखिए ये बर्न पेशेंट था इफ शॉक डेवलप हुआ इफ बर्न पेशेंट है इफ शॉक डेवलप हुआ तो देखिए बर्न पेशेंट में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व रहता है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म सबसे पहले इसे देखिए मोस्ट कॉमन काउज ओवरऑल ऑफ डेथ क्या है मोस्ट कॉमन काउज ओवरऑल मोस्ट कॉमन काउज ओवरऑल कौन सा है सेप्सिस मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ डेथ ओवरऑल कौन सा है सेप्सिस और सब सेप्सिस को मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट कौन सा काउज करता है सेप्सिस को देखिए सेप्टिक शॉक में क्या था ग्राम निगेटिव सीडोमोनास क्या है ग्राम निगेटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया तो यहां पे देखिए ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया नेक्स्ट कौन था कौन सा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन सा सेप का होता है ग्राम निगेटिव जो तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या होता है बेसिलाई होता है बेसिलाई होता है ग्राम निगेटिव मोस्ट ऑफ मोस्टली बैक्टीरिया ग्राम नि निगेटिव क्या है? है। होता है बैसीलाय और बैसे बैसिलय कौन सा सेप का होता है रॉड सेप का वहीं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखिए ग्राम पॉजिटिव मोस्टली बैक्टीरिया कौन सा होता है कोकाय कोकाय देखिए तो कितना सी है तो सी 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 देखिए बहुत सी है तो डॉट डॉट टाइप का हो गया तो डॉट सेप का दिखाई देता है तो डॉट सेप कौन सा बैक्टीरिया हुआ ग्राम पॉजिटिव और रॉड सेप कौन सा ग्राम नेगेटिव और देखिए सीडोमोनास का फीचर सब क्या क्या है सीडोमोनास का फीचर सब क्या है तो यहाँ पे देखिए पी से क्या सीडोमोनास निमोनिक्स है पी से क्या हो गया पिगमेंट कौन सा पिगमेंट यूज करता है कौन सा पिगमेंट स्यूडोमोनास में यूज करता है इनहेंस ऑन किंग मीडिया मीडिया इनहेंस ऑन किंग्स मीडिया किंग्स मीडिया यूज करता है उसके बाद यश हुआ यश मीन्स क्या होता है स्वीटी फ्रूटी ऑर्डर रहता है वो स्वीट फ्रूटी ऑर्डर उसके बाद क्या आया ई ई मीन्स क्या हुआ इरीडी सेंस सिंस इरिडिसेंस मींस क्या होता है कोलोनी जो होता है कोलोनी विथ मेटालिक साइन का होता है इसलिए यू मीन्स क्या हो गया सुगर यूज करता है यूज सुगर यू ओ मीन्स क्या हो गया ऑक्सीडेशन यम मीन्स क्या हो गया मोटाइल यन मीन्स क्या हो गया यन मीन्स क्या हो गया नॉन फर्मेंटेशन नॉन लैक्टोज फॉर्मेंटेशन ए मीन्स क्या हो गया अगर कौन सा अगर बिट्टा हेमोलाइटिक अगर बिट्टा हेमोलाइटिक अगर उसके बाद यस हो गया यस से कौन सा सेलेक्टिव अगर यूज करता है सिलेक्टिव कौन सा सिलेक्टिव सेट्रीमाइड सेलेक्टिव सेट्रीमाइड से अगर अब देखिए सूडोमनास और क्या क्या करवाता है सीडोमानास का क्लिनिकल फीचर सब क्या क्या है क्लिनिकल फीचर सब तो हम उसको कैसे याद रखेंगे पब पबजी में सब चलता है पबजी में सब चलता है तो पी मींस क्या हो गया पबजी में सब चलता है पी मींस हो गया निमोनिया यू यू टी आई मींस क्या हो गया बर्न उन् इन्फेक्शन जो यहां पे करवाया है क्वेश्चन में बर्न उन्ड इन्फेक्शन जी से क्या हो गया ग्रीन नेल सिंड्रोम ग्रीन नेल सिंड्रोम पबजी में पबजी में सब चलता है तो यम ई पबजी में तो यम ई मीन क्या हो गया मेनेजाइटिस मेनेजाइटिस सब चलता है तो यश से क्या हो गया यश से यश से हो गया स्विमर ईयर और ओटाइटिस एक्सटर्ना स्विमिंग ईयर और सांघाई फीवर संघाई फीवर यहां देखिए पबजी में पबजी में सब चलता है तो चलता है तो यहां पे चलता है तो चलता से क्या हो गया कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लेंस एसोसिएटेड विथ कॉर्नियल अर्सर और है यद आए पबजी में सब चलता है तो यत से क्या हो गया हॉट क्लब फोलिकुलाइटिस हॉट क्लब कोलाइटिस। तो यहां पे अब देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा बैक्टीरिया काउज किया था स्यूडोमोनास सीडोमोनास। और सीडोमोनास कौन सा है ग्राम निगेटिव है उसके बाद क्या था ग्राम निगेटिव मोस्टली रॉड शेप का होता है ग्राम पॉजिटिव डॉट शेप का होता है उसके बाद मोटाइल था निमोनिक्स में ही मोटा मोटाइल था स्यूडोमोनास में उथ देखिए सिंगल फ्लैजिलम सबसे पहले फ्लैजिला देखिए फ्लैजिला का लोकेशन अनुसार से छुटिया हो हुआ होता है ये मान लीजिए बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया है इफ पोल से पोल से फ्लैजिला ऐसे निकला होता है उसको क्या बोलता है पोलार फ्लैजिला पोलर फ्लाजिला इफ साइड लैटरल साइड से जो फ्लाजिला निकला होता है उसको कौन सा फ्लाजिला बोलता है लैटरल फ्लाजिला लैटरल फ्लाजिला सो पोलार फ्लाजिला कौन कौन सा होता है जो पोल से फ्लाजिला ओरिजिनेट हुआ होता है उस इसमें से कौन कौन सा इंक्लूडिंग होता है एक हो गया स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास सेकेंड क्या हो गया इकोलायोलाय थर्ड क्या हो गया प्रोटीएस प्रोटीएस ये सब बैक... बैक्टीरिया ऐसे वो कहां से ओरिजिनेट होता है पोलार से उन लोगों का बैक्टीरिया का जो फ्लाजिला है वो पोलार से ओरिजिनेट होता है इसलिए पोलार फ्लाजिला बोलता है तो सीडोमोनास कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है पोलार से तो इसलिए आंसर कौन सा हुआ डी वहीं पे देखिए शौक का बात हो रहा था और शौक के बात हो रहा था तो सबसे मोस्ट कॉमन शौक कौन सा है हाइपोवोल्यूमिक शौक हाइपोवोल्यूमिक शौक और हाइपोवोल्यूमिक शौक का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल पैरामीटर कौन सा है तो देखिए मोस्ट कॉमन और बेस्ट क्लिनिकल पैरामीटर एस एस टू शॉक देखिए बेस्ट क्लिनिकल पैरामीटर कौन सा है यूरिन आउटपुट यूरिन आउटपुट यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए एडल्ट में वन एम पर मिनट और चिल्ड्रेन में जीरो पॉइंट फाइव एम पर मिनट वहीं पे देखिए कोई पूछ देगा बेस्ट पैरामीटर जो कैलकुलेट आई भी फ्लूड और ड्रग्स का कौन सा है तो बेस्ट पैरामीटर टू मेजर आई बी फ्लूड और ड्रग कौन सा बेस्ट पैरामीटर है सेंट्रल बेनस प्रेशर वहीं पर पूछ देगा मोस्ट कम बेस्ट लैब पैरामीटर कौन सा है बेस्ट लैब पैरामीटर बेस्ट लैब पैरामीटर कौन सा है सीरमलैक्टेट सीरम लैक्टेट इफ देखिए सीरम लैक्टेट लेस देन टू मिलीमोल रहेगा तो गुड रिस्पॉन्स है इफ सीरम लैक्टेट मोर देन फाइव मिली मोल रहेगा तो बैड रिस्पॉन्स बैड रिस्पॉन्स वहीं पे देखिए यहां पे पल्स राइज है पल्स कितना है वन ट्वेंटी पर मिनट तो क्या हो गया टैकी कार्डिया टैकी कारडिया इफ देखिए टैकी कार्डिया टैकी कारडिया विथ वार्म एक्सटर्मिटीज रहेगा इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शन के कारण वार्म एक्सटर्मिटीज रहेगा ये तो कौन सा शक हो गया सेप्टिक शक सेप्टिक व न्यूरोजेनिक शक न्यूरोजेनिक शक वहीं पे देखिए टैकी कार्डिया टैकी कार्डिया विथ कोल्ड एक्सटर्मिटीज रहेगा तो कोल्ड एक्सटर्मिटीज रहेगा तो कौन सा शॉक हाइपो शॉक क्योंकि फ्लूड कम हो जाएगा इसलिए कोल्ड हुआ शॉक और शॉक पेशेंट में क्या क्या मैनेज करें, मैनेजमेंट करेंगे फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे और फ्लूज मैनेजमेंट के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे पार्कलैंड फॉर्मूला पार्कलैंड फार्मूला पार्क लैंड फॉर्मूला क्या है ट्वेंटी फोर आवर में जो फ्लूड रिक्वायरमेंट रहेगा फ्लूड रिक्वायरमेंट रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा फोर एम एल इंटू बॉडी वेट के जी में इंटू बॉडी सरफेस एरिया और परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया बर्न सरफेस एरिया मान लीजिए फोर एम तो दिया ही है साठी के जी का सिक्सटी के जी का पेशेंट है और फोर्टी परसेंट कितना बर्न हुआ है तो कितना फ्लूड ट्वेंटी फोर आवर में देंगे नाइन्टी सिक्स हंड्रेड एम और जो भी फ्लूड है उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट एट आवर और सेकेंड सिक्सटीन आवर फर्स्ट एट आवर में कितने फ्लूड देंगे हाफ हाफ ऑफ द फ्लूड हाफ ऑफ द टोटल फ्लूड और सेकेंड सिक्सटीन आवर में कितना फ्लूड देंगे हाफ रिमेनिंग फ्लूड जितना बाकी रहेगा हाफ तो रिमेनिंग रहेगा ना हाफ रिमेनिंग फ्लूड और बर्न एरिया बर्न एरिया बर्न एरिया सरफेस मेजरमेंट करने के लिए एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रूल ऑफ नाइन रूल ऑफ नाइन रूल ऑफ नाइन किसने दिया है रसेल वैलेंस ने यह फॉर्मूला किसने दिया है रसेल वैलेंस ने देखिए ये शॉक मैनेजमेंट करने के लिए शॉक मैनेजमेंट करने के लिए हम शॉक क्या जो सॉरी शॉक नहीं बर्न मैनेजमेंट बर्न मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे देखिए बर्न मैनेजमेंट बर्न मैनेजमेंट के लिए हम जो उंड है बर्न उंड को उसके कूल करेंगे बर्न उंड को कूल करेंगे और जो बर्न ऊन को जो कूल cool करेंगे वो कितने मिनिमम कितने मिनट तक टेन मिनट तक मिनिमम टेन मिनट तक करेंगे और टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेस्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए टैपिंग वाटर का फिफ्टीन डिग्री फिफ्टीन डिग्री और देखिए स्यूडोमोनास काउस कर रहा था स्यूडोमोनास तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया काउ ना करे उसके प्रोफ्लैक्सिस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वन परसेंट सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट वेंटमेंट